माय नेम इज सईद जनीम फातिमा आई एम लेक्चरर कंप्यूटर साइंस दिस इज़ लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस बाय आईटी सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस को और जिसमें हमने तीन से चार पॉइंटिंग डिवाइसेस को पहले डिस्कस कर लिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में आज हम एक साथ ये जितनी भी तीन चार डिवाइसेस रहती हैं उनको एक साथ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जी पॉइंटिंग स्टिक क्या है अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि ए, बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर सवाल आता है व्हाट इज़ पॉइंटिंग स्टिक या फिर सवाल आ जाता है व्हाट व्हाट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस अब बच्चे समझते हैं ये चीज़ दोनों एक ही है ये दोनों चीज़ें एक नहीं है पॉइंटिंग स्टिक और चीज़ है पॉइंटिंग डिवाइस और चीज़ है तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि अगर पॉइंटिंग स्टिक पे नोट आए तो आपने पॉइंटिंग स्टिक की ही डेफिनेशन लिख के आनी है उसी के काम लिख के आने हैं और पॉइंटिंग डिवाइसेस पे अगर बात आए तो पॉइंटिंग डिवाइसेस बहुत सारी हैं नौ हैं जो आपकी किताब में यहाँ पे मेंशन है इसके अलावा भी बहुत सारी हैं तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में ही एक डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग स्टिक है ये इनका मेन डिफरेंस है चलें देख लेते हैं जी पॉइंटिंग स्टिक क्या है पॉइंटिंग स्टिक इज़ अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर सेंसिटिव है मतलब क्या है कि वो एक छोटी सी डिवाइस है ये देखे फिगर में दिख रही है बटनों के दरमियान लैपटॉप्स में अक्सर होती है ये भी बेसिकली माउस का अल्टरनेटिव ही है ये प्रेशर सेंसिटिव है प्रेशर सेंसिटिव का क्या मतलब है के इसको दबाया जाता है और जिस साइड पे प्रेशर होता है आपका कर्सर उसी साइड को मूव करता है यानी अगर मैं यहाँ पे टॉप वाली साइड पे थोड़ा सा प्रेशर डालूंगी तो मेरा कर्सर बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर की जानब जाना शुरू हो जाएगा अगर मैं नीचे की तरफ प्रेशर डालूंगी इस छोटे से स्टिक पे तो मेरा कर्सर नीचे को आने लग जाएगा इसी तरह लेफ़्ट और राइट में भी जाएगा सो पॉइंटिंग स्टिक इज अ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस इट इज़ सिमिलर टू अ पेंसिल इरेजर दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कीज़ ऑन द की बोर्ड ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छोटे बच्चों की पेंसिल्स होती हैं लेड पेंसिल्स होती हैं जिनकी जिनके पीछे एक छोटी सी इरेजर लगी होती है पेंसिल के साथ ही जो इरेजर लगी होती है ये बिल्कुल उसी तरह की होती है और ये कहाँ पे होती है आपका जो कीबोर्ड है उसमें कीज़ के दरम्यान में ये होती है के अगर कभी ऐसा हो आपका लैपटॉप का टच पैड काम ना करे तो आप इसको एज एन अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ भी आपके माउस माउस को कर्सर को जो भी चीज़ है उसको कंट्रोल करती है द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स व्हेन द यूज़र पुशीज द पॉइंटिंग स्टिक आपका पॉइंटर स्क्रीन पे मूव करता है कब जब आप इसको पुश करते हैं आप जिस साइड को पुश करेंगे वो चाहे अपर साइड हो लोअर साइड हो लेफ्ट हो राइट right हो जिस साइड को आप इसको पुश करेंगे छोटी सी इरेजर टाइप स्टिक को तो आपका कर्सर उसी साइड पे मूव होता जाएगा इट रिक्वायर्स नो एडिशनल स्पेस और क्लीनिंग लाइक माउस पॉइंटिंग स्टिक इज नॉर्मली यूज विद नोटबुक कंप्यूटर्स अब इसका प्लस पॉइंट क्या है इसको अलग से जगह नहीं चाहिए जैसे हमने ऊपर देखी थी डिवाइसेस माउस देखा था और ट्रैक बॉल देखा था उनको अलग से जगह भी चाहिए और उनकी सफ़ाई सफाई भी करनी पड़ती है सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है वो कह रहे हैं कि ना तो आपको इसके लिए अलग से जगह चाहिए और ना ही इसकी सफाई वगैरह करनी है आपको अलग से ये कीबोर्ड में ही है जब आप कीबोर्ड को साफ़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी साफ हो जाएगा बीच में और ये यूज़ कहाँ पे होती है पहले भी जैसे मैंने बात की कि ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है लैपटॉप के कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं उनमें अटैच होती हैं आम जो कीबोर्ड आप अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ कोई भी पीसी के साथ उस कीबोर्ड में ये पॉइंटिंग स्टिक नहीं होती ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम के साथ ही आती है और वो सिस्टम कौन सा होता है आपका लैपटॉप वाला सिस्टम दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है जी डिजिटाइज़ है या ग्राफिक टैबलेट अब ये दरम्यान जो अब्लिक है इसका मतलब यही है कि आपको डिजिटाइजर भी पूछा जा सकता है ग्राफिक टैबलेट भी पूछा जा सकता है दोनों का मतलब यही है ठीक है ये क्या होता है कि एक फ्लैट पैड होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं अपने डि, अपनी डिवाइस के साथ और इसी पे हम लिखते हैं एक पेन के थ्रू जिसको स्टाइलिस कहा जाता है और जो हम लिखते हैं उसी तरह की चीज़ें हमारी स्क्रीन पे बनती जाती हैं स्केचेस हों इमेजेस हों या जो भी हो तो ये बेसिकली कॉपिंग कॉपिंग डिवाइस की तरह भी काम करती है और इसमें ये चीज़ जो है माउस की तरह हम उसको यूज़ करते हैं ये भी अल्टरनेटिव है माउस का ही पॉइंटिंग स्टिक है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ओके सो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है ग्राफिक्स टैबलेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट पैड कनेक्टेड टू अ स्टाइलस और पक बाय वायर ये क्या होता है एक फ्लैट पैड होता है जिसको कनेक्ट किया जाता है एक स्टाइलिस या पक के पक के साथ अब स्टाइलिस या पक क्या होता है पेन को कहा जाता है ये जो पेन आदमी ने पकड़ा हुआ है फ्लैट पैड पे जिसके साथ लिख रहा है दैट इज़ कार्ड स्टाइलिस या पक स्टाइलिस ज़्यादा कहा जाता है स्टाइलिस इज अ पेन लाइक डिवाइस यूज टू क्रिएट स्केचिज एंड इमेजेस स्टाइलिस क्या होता है पेन होता है बेसिकली जिसे हम स्केचेस या इमेजेस बनाते हैं और पक इज़ कॉपिंग डिवाइस यूज टू कॉपी एन इमेज और पक क्या है जिसपे लिखा जा रहा है और ये कॉपी करती जाएगी अब पक लुक्स लाइक अ माउस ये माउस की तरह काम करती है द पक इजेसिस्पेशली यूज टू ट्रेस आर ड्राइंग एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म पक्का क्या काम होता है कि स्टाइलिस्ट जो भी चीज बना रहा है जो भी इमेज है या जो भी स्केच है वो उसको सेव करती जाती है पहले उस ड्राइंग को ट्रेस करती है उसके बाद उसको सेव कर लेती है इन डिजिटल फॉर्म डिज़ाइनर कैन प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट ड्राइंग यूजिंग ग्राफिक टैबलेट जो डिज़ाइनर्स होते हैं ये ज्यादातर डिज़ाइनिंग के लिए ही बेसिकली यूज़ होता है जब नक्शे वगैरह लोग बनाते हैं इंजीनियर्स इमारतों के या मुख्त स्केचेस बनाते हैं इसी तरह तो ग्राफिक टैबलेट्स आर ओफन यूज़ टू मेक मैप्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वही बात के यहाँ जब डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ड्राइंग्स वग़ैरह चाहिए होती हैं तब तो वो ग्राफिक टैबलेट्स को यूज़ करते हैं और ग्राफिक टैबलेट्स जो हैं ये मैप्स वग़ैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए क्यों क्योंकि उनमें एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है और माउस वगैरह से अगर हम चीज़ें ड्रा करें तो उनमें हो सकता है कि एक्यूरेसी इतनी ना हो वहीं अगर हम हाथ से पेन को पकड़ के पूरी ग्रिप के साथ चीज़ें ड्रा करें स्केच बनाएं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगी इसी के साथ है जी ब्रीफली डिस्क्राइब लाइट पेन लाइट पेन क्या है ये जैसे एक पेन है जिसको वायर के साथ हम सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं ये भी पॉइंटिंग डिवाइस ही है हैंड हेल्ड है बिल्कुल पेन की तरह लगती है इसको वायर के साथ हम कनेक्ट करते हैं और ये पेन जो है ये इंफॉर्मेशन भेजता है जहाँ जहाँ से हम इसको टच करते हैं स्क्रीन को इस पेन के थ्रू वो वही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वायर के थ्रू सिस्टम को भेजता है इसको भी देख लेते हैं अ लाइट पेन इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस हैंड हेल्ड मतलब हाथ में पकड़ने वाली डिवाइस है इट लुक्स लाइक अ पेन एक पेन की तरह दिखती है ये इट इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर टू द कंप्यूटर ये कंप्यूटर के साथ कैसे जुड़ी होती है वायर के थ्रू ये वायरलेस भी होती हैं बेसिकली लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं ये वायर्स वाली ही होती हैं द पेन सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू द कंप्यूटर व्हेन यूजर टच इज़ द पेन ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ स्पेशली डिज़ाइंड स्क्रीन इसकी स्क्रीन भी स्पेशली डिजाइंड होती है आम स्क्रीन ही होती जो हमारे घरों में पीसीज की होती है या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की होती है वो स्क्रीन ही होती है इनकी स्पेशली डिज़ाइंड स्क्रीन होती है और वहाँ पे जहाँ पे भी हम पेन से किसी स्पेसिफिक एरिया को टच करेंगे तो वो वाली इंफॉर्मेशन जो है पेन कंप्यूटर को सेंड करेगा थ्रू इज थ्रू इट्स वायर लाइट पेन इज़ यूजली यूज बाई इंजीनियर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स ये भी ज़्यादातर इंजीनियर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि जो हाथ से पकड़ के लिखने वाली चीज़ें हैं जहाँ पे पेन और स्टाइल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो एक के लिए यूज़ होती हैं तो वो ज़्यादातर जो है इंजीनियर्स वगैरह ही यूज़ कर रहे होते हैं उसके साथ ही अगला टॉपिक भी हम कवर करेंगे जी अगली जो पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास दैट इज़ जॉयस्टिक अब यहाँ पे उन्होंने सवाल किया है एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ जॉयस्टिक वैसे भी पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जॉयस्टिक ये भी बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी पॉइंटिंग डिवाइसिस में से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएंगे, लाजमी आएंगे इसी टॉपिक में से ये जो नौ आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं इनमें से किसी दो पे, नहीं तो एक पे लाजमी आएगा अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जिन पे बोर्ड पे बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एक माउस है एक ट्रैकबॉल है और एक जॉयस्टिक है तो इसको आपने अच्छे से करना है ओके okay, इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं अ जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक ये देखें ये वाली चीज़ इसकी बेस है और ये स्टिक है बिल्कुल ऐसे लग रहा है जॉयस्टिक इसका नाम क्यों है जैसे वो वीडियो गेम्स बच्चे प्ले करते हैं और वो रिमोट्स या फिर गेयर्स टाइप इस तरह के होते हैं इसलिए इसको जॉयस्टिक कहा जाता है द स्टिक कैन बी मूव इन एनी डायरेक्शन टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड द कंप्यूटर स्क्रीन हम इस स्टिक को किसी भी साइड पे जैसे आपने गाड़ी का गियर देखा होगा उसको हम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं बिल्कुल इसी तरह हम अपने कर्सर की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं जब हम इस स्टिक को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं जॉयस्टिक कैन परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन टू अ माउस और अ ट्रैक बॉल ये भी बेसिकली क्या है अल्टरनेटिव है माउस का या ट्रैक बॉल का पॉइंटिंग डिवाइस ही है बट इट इज़ ओफन कंसिडर लेस कंफर्टेबल एंड एफिशेंट लेकिन ये लेस कंफर्टेबल है और लेस एफिशिएंट है अब ऐसा क्यों है क्योंकि जाहिर सी बात है ये ज़्यादा जगह घेरती है और बड़ी है और ये इतनी एकोरेट मूवमेंट नहीं लेके आती आपके कर्सर में द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ़ अ जॉयस्टिक इज़ फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स ज़्यादातर वही बात जो हमने पहले की कि ज़्यादातर जॉयस्टिक को हम किस लिए यूज़ करते हैं जब हमने गेम्स वग़ैरह खेलनी होती हैं उसके अलावा जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ करनी है इसके बाद आता है जी पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम पेन बेस्ड सिस्टम इज़ यूज टू एंटर हैंड राइटिंग एंड मार्क्स इन कंप्यूटर यूजिंग पेन लाइक स्टाइल अब ये क्या है नाम में ही देखें काम है पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो पेन पे बेस्ड कर रहा है ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं हैंड राइटिंग एंटर करते हैं और निशान वगैरह कंप्यूटर में एंटर करते हैं यूजिंग पेन लाइक स्टाइलस हमने पहले भी पढ़ा था वो जो पेंसिल लगा होता है कंप्यूटर के साथ अटैच होता है उसको स्टाइलस कहा जाता है द यूज़र राइट्स वर्ड्स एंड सैम्बल्स ऑन द स्क्रीन यूज़र जो है वो स्क्रीन पे लफज लिखता जाता है अलार्थें या जो भी चीज़ें उसने लिखती होती हैं उनको लिखनी होती हैं उनको लिख लेता है दिस सिस्टम यूज़ हैंड राइटिंग रिकोगेशन सॉफ्टवेयर इनमें स्पेशल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो कि हैंड राइटिंग को रिकगनाइज़ करता है उसको पहचानता है कि अच्छा बंदा क्या लिख रहा है मिसाल के तौर पर अगर मैं हाथ से ए लिखूँ हो सकता है इतना एकोरेट ए ना लिखा जाए जैसे अगर मैं सिस्टम में लिखूँ की से लिखूँ किसी डॉक्यूमेंट पर कंप्यूटर में लिखूँ उतना एकोरेट नहीं लिखा जाएगा लेकिन जैसे मैं ए लिखूंगी तो इसका ये जो हैंड राइटिंग रिकग्नीशन सॉफ्टवेयर है वो इस चीज़ को रिकगनाइज़ करेगा कि अच्छा इसने हैंड राइटिंग की है और लिखा इसने क्या है ए टाइप को चीज लिखे तो वो उसको रिकग्नाइज कर लेगा द सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स हैंड रिटर्न करेक्टर्स इन टू फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस बाई कंप्यूटर तो वो हैंड रिटर्न चीजों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता जाता है प्रोसेस करके ताकि कंप्यूटर भी उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सके मैनी हैंड हेल्ड कम्प्यूटर्स हैव पेन इनपुट बहुत सारे ऐसे हैंड हेल्ड कम्प्यूटर्स हैं जिन पे पेन इनपुट होती है पेन बेस सिस्टम्स आर कॉमनली यूज्ड टू इनपुट सिग्नेचर्स और मैसेजेस दैट आर स्टोर्ड एज इमेज ज़्यादातर ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है जब आपने अपने सिग्नेचर्स या कोई मैसेज स्टोर करने हो एज एन इमेज वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है पेन बेस सिस्टम का आपका बस ये थी आपकी नो डिवाइसेस जो के पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतहाई अहम है और पहले भी जैसे मैंने बताया कि इनमें माउस है ट्रैकबॉल है और जॉयस्टिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं और इनको आपने अच्छे से कर लेना है बोर्ड के पेपर में दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक में से लाजमी आएगा आई होप आपको समझ आ गई होगी अगर किसी भी पॉइंट पर को, कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मैं इनशाला आपके क्वेश्चन के लाजम जवाब दूँगी थैंक यू सो मच